गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था फ्लाइंग बर्ड खरीदने के लिए। फाइनली मैंने एक फ्लाइंग बर्ड खरीद लिया है और ये फ्लाई भी कर सकती है गाइस। इसका नाम है पीजियन ई बर्ड। बॉक्स के पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आज हम लोग इसको बहुत जबरदस्त तरीके से टेस्ट करने वाले हैं। देखते हैं गाइस क्या ये सच में फ्लाई कर पाती है। यानी इसके साथ मैं आज और भी चीजों की टेस्टिंग करने वाला हूँ, जैसे कि ये एक अवतार ड्रोन है, ये एक फ्लाइंग जेट है, ये एक MI होवर हेलीकॉप्टर है और एक DJI मिनी 2 भी है। चलो दोस्तों फटाफट से करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग, फिर टेस्ट करते हैं सभी को। लेट्स गो। इसे एक उड़ने वाली चिड़िया भी बोल सकते हो। इसको अवार्ड भी मिला यार, देख सकते हो 2016 का प्रीफर्ड चॉइस अवार्ड भी मिला है। आप इस बर्ड को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर व्यू प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको ब्राउज प्रोडक्ट में जाना है, वहां पर जैसे जाओगे इसके वेबसाइट का बाय लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर कुछ वार्निंग वगैरह भी दी गई है, जैसे कि इसको ज्यादा हवा में नहीं उड़ाना चाहिए वरना ये अनबैलेंस होकर खो भी सकती है। इंडोर में भी टेस्ट करूंगा और आउटडोर में भी टेस्ट करूंगा। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है, फटाफट से इसको निकाल लेते हैं बॉक्स के अंदर से बाहर। यार देखने में ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा नाजुक है, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट चीज मेरे को लग रही है, क्योंकि ऊपर की तरफ यहां पर पन्नी दी हुई है। यार देख सकते हो ये पूरी तरीके से प्लास्टिक की पन्नी है। अच्छा तो दो लेयर में पन्नी दी गई है, नीचे व्हाइट कलर की पन्नी है। किसी से भी टकराएगी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि टूट जाएगी यार। अगर उसके ऊपर कोई एक छेद भी गिर गया ना भाई, समझो इसका काम खलास। बहुत देख संभल कर मेरे को इसको फ्लाई करना पड़ेगा। यहां पर ये जो चीज है ये प्लास्टिक यूज किया गया है, यहां पर टेल है। अच्छा तो इसका डायरेक्शन यहां से हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहां पर मेटल के रॉड्स दिए गए, बहुत ही बारीक से रॉड है इसके विंग्स को सपोर्ट देने के लिए। सामने यहाँ पर चिड़िया जैसा डिजाइन है, कहीं से भी मेरे को पीजियन तो लग नहीं रहा है यार। ये एक स्पैरो जैसा इसका डिजाइन है। नीचे ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ से हम लोग इसको चार्ज कर सकते हैं। इसकी बैटरी इनबिल्ट आ जाती है, कोई भी एक्सटर्नल बैटरी इसके अंदर नहीं लगाई गई है। पीछे की तरफ यहाँ पर शायद ये इसके एलरॉन्स मेरे को लग रहे हैं। आप इसको ऊपर या फिर नीचे सेट कर सकते हो कंडीशंस के हिसाब से। तो अभी इसके साथ क्या क्या चीजें मिली है ये बता देता हूँ। इसको चार्ज करने के लिए एक चार्जर मिला है और यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर। रिमोट के अंदर यहाँ पर तीन बटन्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं। ऊपर ट्रिगर वगैरह कुछ भी नहीं है, यहाँ पर दो LED इंडिकेटर्स है। अच्छा ये राइट को जाने का बटन है या लेफ्ट को जाने का बटन है, शायद ये इसका स्पीड इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने का बटन मेरे को लग रहा है। यहाँ पर इसको ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पर बैटरी डालनी पड़ती है। इसके अंदर तकरीबन 4 AA बैटरीज डालनी पड़ती है। तो चलो फटाफट से इसको मैं अनबॉक्स कर लेता हूं। अभी दिखाता हूं ये हेलीकॉप्टर कैसी है। अगर आप ये हेलीकॉप्टर को भी खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है Amazon का, वहां से अगर आप चाहे तो ये MI होवर हेलीकॉप्टर को खरीद सकते हो। ये है इसका मोशन सेंसर वाला रिमोट। रिमोट काफी ज्यादा भारी भरकम है क्योंकि पीछे की तरफ यहां पर 6 AA बैटरीज डालनी पड़ती है रिमोट को ऑन करने के लिए। बहुत सारे बटन है, टीवी के रिमोट से भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी इसकी मेरे को लग रही है। इस हेलीकॉप्टर को हम लोग डायरेक्ट यहीं से चार्ज कर सकते हैं, इसकी पिन यहां पर हम लोगों को मिल जाएगी। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा सॉलिड है। अभी मैं आपको हेलीकॉप्टर दिखा देता हूं। ये हेलीकॉप्टर एक्चुअली मल्टीफंक्शन हेलीकॉप्टर है, आप इसको कहीं पर भी लैंड करा सकते हो। इस तरह का यहां पर स्केटबोर्ड इसके अंदर लगाया गया है। मेरे को लग रहा है कि ये स्नो में उतरने वाली हेलीकॉप्टर है। यहां पे सिल्वर लिट की ब्रांडिंग दी गई है। पीछे की तरफ एक प्रोपेलर है, ये प्रोपेलर इसको डायरेक्शन देने में काम में आता है, लेफ्ट या फिर राइट। ये प्रोपेलर से ही इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पर दो अलग अलग पीसेस हैं। इसकी भी जो बैटरी है इनबिल्ट आ जाती है, बैटरी हम लोग इसके अंदर रिप्लेस नहीं कर सकते। तो अभी मैं अनबॉक्स करने वाला हूं एक बहुत ही कमाल की चीज, ये है अवतार ड्रोन। अगर आपने अवतार मूवी देखी हुई तो गाइस इस तरह के ड्रोन्स उसके अंदर मिल जाएंगे। अभी अवतार पार्ट 2 भी आने वाली है गाइस। कौन-कौन अवतार मूवी को जा रहा है गाइस मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। पे अवाकॉप्टर बोल के इसका नाम लिखा है, पर मैं आज जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं छोटे बच्चों के लिए ये चीज है नहीं, क्योंकि ये फ्लाई करने वाली चीज है। तो इसको यहां से मैं निकाल लेता हूं। ये देखो गाइस इस तरह के पैकिंग में मिलता है हमारा अवाकॉप्टर ड्रोन। इसके अंदर 4 प्रोपेलर है। नीचे यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट है। इसके लैंडिंग गियर्स इस तरह के मिल जाते हैं, काफी ज्यादा सॉलिड इसकी बिल्ड क्वालिटी है। अब इसकी बैटरी दिखा देता हूं मैं आपको, ये रही इसकी बैटरी, बहुत ही छोटी सी बैटरी मिलती है इसके साथ। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, इसकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा सॉलिड है। बहुत सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसके अंदर, कुछ एक्स्ट्रा इसके पार्ट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा प्रोपेलर है, स्क्रू ड्राइवर है। ओके गाइस अभी मैं अनबॉक्स करने वाला हूं हमारे फ्लाइंग जेट को। 4,000 रुपीज में खरीदा था, अभी इसको भी मैं आपको निकाल के बता देता हूं। ये जेट बहुत ही ज्यादा हल्का फुल्का होता है और इसका जो मटेरियल है इसको बनाने में यूज किया गया है ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। बिल्कुल आज भी एकदम परफेक्ट तरीके से ये काम कर रहा है। ये जो है स्टायरोफोम जैसा दिखाई देता है, पर ये स्टायरोफोम है नहीं, ये EPP मटेरियल इसको बोलते हैं। और मेरे पास जितनी भी चीजें हैं ना उन सभी में से सबसे ज्यादा महंगी चीज यही DJI ड्रोन है। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर चलते हैं बाहर इन सभी के बीच में रेस कराने के लिए और फाइट कराने के लिए। तो माय डियर दोस्तों सभी चीजों को मैंने यहाँ पे रख लिया है, सभी चीजें एक से बढ़कर एक है। चलो गाइस लेट्स गो।
सबसे पहले फ्लाइंग बर्ड को टेस्ट करते हैं। रिमोट के अंदर ये बटन से बर्ड के विंग्स की स्पीड हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे तो ज्यादा स्पीड में भी इसको फ्लाई करा सकते हैं, कम स्पीड में भी फ्लाई करा सकते हैं। राइट साइड में और दो बटन मिलते हैं इसकी टेल को कंट्रोल करने के लिए। टेल लेफ्ट राइट यहाँ से कंट्रोल हो जाती है। एलरॉन्स को फिलहाल मैंने नीचे कर रखा है, अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा हवा आ रही है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से फ्लाई करा लिया है और ये देखने में बिल्कुल एक रियल बर्ड जैसे ही फ्लाई करती है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो। पर इसके अंदर एक दिक्कत है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, इसको कंट्रोल करने में मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो रही है गाइस, और यहाँ पर बहुत ज्यादा हवा भी आ रही है और ये बहुत ऊपर तक भी फ्लाई कर रही है। और इसका जो रेंज है ये मेरे को लग रहा है कि 60 से 70 मीटर दिया गया। अब इस बर्ड को मैं बहुत दूर तक फ्लाई करा चुका हूँ, यहाँ पर अचानक से हवा आने लगी, कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल हो रही थी और ये बर्ड यहाँ पर क्रैश हो चुकी है। अभी मैं इसको रूम के अंदर फ्लाई कराने की कोशिश करूंगा, देखते हैं फ्लाई कर पाती है या नहीं। ओ भाई साहब, यहाँ पर दीवारों से ये टकरा रही है और छत से भी टकरा रही है। हम लोगों को इस बर्ड को आउटसाइड में ही उड़ाना चाहिए गाइस, आउटसाइड में बढ़िया तरीके से उड़ती है, पर कंट्रोल करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अभी फ्लाइंग जेट को टेस्ट करते हैं, इसके प्रोपेलर्स बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर मैंने फुल थ्रॉटल दे दिया है, जैसे ही मैंने इसको हवा में लॉन्च किया गाइस, देखो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फ्लाई करने लगा है और यहाँ पर हवा भी बहुत ज्यादा आ रही है। ये हवा के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करता है और इस तरह से ग्लाइड वगैरह भी करने लगता है। इसकी टॉप स्पीड 50 से 60 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, बिल्कुल कंट्रोल में रहकर ये फ्लाई करता है। अभी देखो गाइस, इसको मैं बहुत ज्यादा ऊपर लेके जा चुका हूँ, बिल्कुल एक रियल एरोप्लेन जैसा दिखाई देता है। अभी DJI ड्रोन को टेस्ट करते हैं गाइस। अभी इसको मेरी तरफ मैं खींचने की कोशिश करूंगा, ये आ तो जाएगा, फिर मैं इसको जैसे ही छोड़ता हूं गाइस वापस से वही पोजीशन में जाकर ये हॉवर करने लगेगा। इस तरह की स्टेबिलिटी दूसरे ड्रोन्स में देखने को नहीं मिलती है। रेंज तो आपको पता होगा, ये ड्रोन तकरीबन 10 किलोमीटर दूर तक फ्लाई कर सकता है। अभी देखो गाइस, मैं इसको इतनी ऊपर लेके जा चुका हूं, आपको कैमरा में भी दिखा रहा हूं। हम लोग देखो गाइस यहां नीचे खड़े हुए, बिल्कुल एक चींटी जितने हम लोग दिखाई दे रहे हैं। इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। अभी ये हेलीकॉप्टर को टेस्ट करते हैं गाइस, देखते हैं ये आउटसाइड में किस तरह से फ्लाई कर पाती है। मेरे को लग रहा है कि ये हेलीकॉप्टर आउटसाइड में उड़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है। अभी मैं इसको इंडोर में टेस्ट करने वाला हूं, बिल्कुल स्टेबल तरीके से इंडोर में फ्लाई करती है। अभी देखो गाइस, इसके रिमोट के अंदर जायरो सेंसर है, मैं जिस तरफ रिमोट को टिल्ट कर रहा हूं अपनी हेलीकॉप्टर भी जो है वही पोजीशन में फ्लाई करने लग रही है। ये हेलीकॉप्टर बहुत ही ज्यादा यूनिक यार, क्योंकि बहुत ही कम हेलीकॉप्टर में इस तरह का रिमोट देखने को मिलता है। ये हेलीकॉप्टर सिर्फ इंडोर में ही फ्लाई कराना चाहिए गाइस। अभी अवतार ड्रोन को टेस्ट करते हैं गाइस, देखते हैं ये आउटसाइड में किस तरह से फ्लाई करता है। हवा ज्यादा आने लग रही है, वापस से मैं इसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, हवा देखो गाइस इसको पीछे ढकले जा रही है। बहुत मुश्किल से मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इन दोनों के बीच में रेस लगाने वाला हूं, क्योंकि ये दोनों ही बहुत स्पीड से फ्लाई कर सकते हैं। दोनों को मैंने टेक ऑफ कर दिया है। फ्लाइंग जेट बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, इसके पीछे पीछे अपना DJI ड्रोन जा रहा है। यहाँ पे फ्लाइंग जेट पता नहीं गाइस देखो क्या दिक्कत आ चुकी है, ये ग्लाइड करने लग रहा है यार हवा के अपोजिट में, पर अपना ड्रोन बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। अब ये काम करते हैं, दोनों को वापस लेके आते हैं। ड्रोन देखो यार बिल्कुल रिवर्स में भी आ जा सकता है इस तरह से। ओ माय गॉड, इसकी स्पीड देखो यार कितनी ज्यादा है, पर फ्लाइंग जेट को टर्न लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। अब जाकर हमारा फ्लाइंग जेट यहाँ पर पहुंचा है, तो गाइस आपको ड्रोन की स्पीड पता होगी, ये ड्रोन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। अभी फ्लाइंग बर्ड का वेट कैरी टेस्ट करते हैं गाइस। इसके टेल के नीचे मैंने ग्लास बांध दिया है, देखते हैं ग्लास का वेट लेकर फ्लाई कर पाती है या नहीं। थोड़ा सा इसने फ्लाई किया यार, जाकर क्रैश हो गई है। ये बर्ड बहुत ही हल्की फुल्की है। अभी सेम टेस्ट अवतार ड्रोन के साथ करते हैं, इसके नीचे भी मैंने ग्लास बांध दिया है। अभी मैं इसको आउटसाइड में टेस्ट कर रहा हूँ गाइस, देखो यहाँ पे हवा भी बहुत ज्यादा आ रही है, फिर भी अपना जो ड्रोन है ग्लास का वेट लेकर फ्लाई कर रहा है। ये फ्लाइंग बर्ड से तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है गाइस। अभी DJI ड्रोन को टेस्ट करते हैं गाइस, इसके नीचे मैंने बहुत सारी चीजें बांध दी है, देखते हैं इतना सारा वेट लेकर हमारा DJI ड्रोन फ्लाई कर पाता है या नहीं। चलो अभी इसको टेक ऑफ करा देते हैं। ये हमारा ड्रोन टेक ऑफ हो चुका है, बिल्कुल स्टेबल तरीके से फ्लाई कर रहा है। अभी इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल गाइस, इतना ज्यादा वेट लेकर भी ये ऊपर की तरफ फ्लाई कर रहा है और कितना ज्यादा स्टेबल भी फ्लाई कर रहा है। इसके नीचे मैं और भी वेट डाल दूंगा गाइस, ये वेट भी DJI ड्रोन लेकर फ्लाई कर सकता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन सभी चीजों में से कौन सी चीज पसंद है। चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम आ जाता है काव्या, जयवीर, मंदीप, चंद्रकांत, सुश्रुत, देव्यांश, रफसान, मुस्तफा, विराट, देबोजीत। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।